नमस्कार एसपीएन 9 न्यूज़, आप देख रहे हैं। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के एक साथ आएगा। इस बीच राजस्थान में कांग्रेस की ओर से सबसे बड़े उम्मीदवार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, तो बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, साथ में यहाँ पर झोटवाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी बड़े उम्मीदवार हैं। इस बीच राजस्थान चुनावों में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए मंदिर में प्रार्थना की और कांग्रेस पर तीखा हमला भी किया। ऐसे में शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मित्रों, अभी अभी मैंने माँ त्रिकुटा का, गराड़िया महादेव का, खड़े गणेश जी का और रंगबाड़ी बालाजी मंदिर में आशीर्वाद लिया है, और इस आशीर्वाद के साथ न केवल राजस्थान बल्कि आपका कोटा भी कांग्रेस मुक्त होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से राजस्थान को बलात्कार में नंबर वन, महंगाई में नंबर वन, किसानों को धोखा देने में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, युवाओं को धोखा देते हुए पेपर लीक में नंबर वन, अपराध में नंबर वन बनाया है, तो अब इस बार 25 नवंबर को राजस्थान की जनता ने ये तय कर दिया है कि असली जादूगर बनकर कांग्रेस की सरकार को 3 दिसंबर को छू मंतर करने का समय आ चुका है। और इसीलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस कोटा की एक समय पर पहचान कचोरियों से, कोटा सिल्क और साड़ी और मंदिरों से होती थी, आज उस कोटा की पहचान करप्शन से, कोटा की पहचान कट्टरपंथी पीएफआई से करने का दुस्साहस कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो 25 नवंबर को पहले मतदान, फिर जलपान, और राजस्थान को फिर से एक बार महिला उत्पीड़न से, कानून व्यवस्था की तबाही से, बेरोजगारी से, महंगाई से मुक्त कराने का निर्णय आप भी ले लीजिए। 25 नवंबर को भारी तादाद में बाहर आइए और राजस्थान और कोटा को कांग्रेस मुक्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।